हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पर। तो जैसे कि दोस्तों जान सकते हो यार, अभी भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता है और इस वर्ल्ड कप के जो खुशियाँ मिल रही भारतीयों को तो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ पता है अभी एक इंसिडेंस हुआ है, इंसिडेंस तो नहीं बोल सकते लेकिन अभी जान सकते हैं कि जब आप जीतोगे मैच वगैरह तो आपके जो बगल वाला है या फिर जो आपके पड़ोसी ना, किसी न किसी को कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम होने लगता है। इसी कंटेक्स्ट में दोस्तों ऐसा ही अभी वाक्य हुआ है। अभी हुआ क्या है पता है, जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती तो पाकिस्तान के जो इंजमामुल हक है और जो एक्स क्रिकेटर बुलाया जाता है उनको, ठीक है, तो उसने क्या क्या है वो बोल रहे हैं कि भारत ने इस मैच को गलत तरीके से जीता है और ये अफ्रीका का जो मैच था, साउथ अफ्रीका इसको जीत चुका था साउथ अफ्रीका, लेकिन भारत ने इसको गलत तरीके से जीता है। और उनका मानना भी है इजामुल हक का कि जो मैच था, क्या भी बोल सकते हैं कि उसका विकेट था, का एक कहना है कि सूर्य कुमार यादव ने जो कैच किया था वो कैच नहीं था और 6 रन था और जिसके वजह से डेविड मिलर को आउट जाना पड़ा, ठीक है, ये कहना है इजामुल हक का। और जान सकते हैं उसको कैसा आदमी है और ये सब, वो मैच तो देख ही रहा होगा लेकिन फिर भी उन्होंने बोल दिया है। वो पता नहीं किस वजह से बोला है या फिर भारत को नीचे दिखाने के लिए बोला है। उनका यह भी मानना है कि यार कि भारत ने जब एक दो मैच इससे सेमीफाइनल जीता था तो रोहित के सामने कुछ रिवर्स के बारे में पूछा गया था मीडिया के द्वारा, तो उसका जवाब दिया था। लेकिन हुआ क्या पता है, ये सब जो बात हुआ ना तो पाकिस्तान के जो इजमामुल हक है उसको बहुत बुरा लगा और पता नहीं क्या बुरा लगा, वो अपने टीवी चैनल पर बैठ के और पता नहीं क्या क्या डिबेट करते रहते हैं और बिना नाम लिए इन लोग का वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। हुआ क्या पता है, हुआ यही है कि वो गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को और रोहित शर्मा को। और क्यों कर रहे हैं पता है, जान ही रहे हैं आप लोग कि वो उसके जो टीमें हैं वो हार चुकी हैं और उनका जो हारा हुआ टीम है तो उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मैच था ना वो तो पूरा हारने वाला ही था क्योंकि उनके जो प्लेयर है, उनके जो टीम है वो कोई ख़ास नहीं है और भारतीय टीम एक मजबूत टीम है। और जब वो नहीं जीत सके वर्ल्ड कप और ना ही आगे कुछ कर सके ना ही बढ़ सके तो बस दूसरे टीम को क्रिटिसाइज करना वो चालू कर दिए हैं और गलत तरीके से देख रहे हैं यार। सही तरीके से देखे तो कोई बात नहीं लेकिन गलत तरीके से देख रहे हैं, बस यही दिक्कत है। और उन्हें पता है इस बात का डर है कि भारत आने वाले दिनों में इतना आगे बढ़ जाएगा कि पाकिस्तान के सामने कहीं नहीं ठहरेगा, ये सबको जानते हुए वो ऐसा उल्टा उल्टा जो बात है वो करता है। और रही बात उनके वक्तव्य की, तो देखो यार वो तो हमेशा कुछ ना कुछ बकते रहते हैं और लेकिन हम लोग इसलिए दुख होते हैं कि हम सब की भावनाएं जुड़ी हुई है क्रिकेट से और हम चाहते हैं वाकई में क्रिकेट आगे बढ़े और हमारा भारत जो है ना वाकई में हकदार था। आप देख ही सकते हैं कि दो दो फाइनल हम लोग अभी हाल ही में खेले हैं और वहाँ तक पहुँच के भारत तो मैच नहीं जीत सक रहा था ICC का, तो अभी हाल ही में भारत ने ICC के टूर्नामेंट बोल सकते हैं उन्होंने जीता है, ICC का ट्रॉफी जीता है। और ये जो अभी टूर्नामेंट हुआ वर्ल्ड कप का वो बहुत यादगार रहेगा भारतीयों के लिए और हम सब के लिए। और इजमामुल हक जैसे बोलने वाले लोगों के लिए तो दोस्तों ये सब एक सबक है, वो जितना बोलेगा हम लोग के ख़िलाफ़ में या फिर भारत के ख़िलाफ़ में तो उनका ही घाटा है, क्योंकि वो अगर जितना बेहतर अपने टीम को लगाने में अगर वक्त देते तो हो सकता है उनका टीम आगे बढ़ती, लेकिन अगर आप दूसरे के खिलाफ अगर बात करोगे तो आपको तो ऐसे ही हार झेलना पड़ेगा और आपका टीम हारेगी भी, ठीक है। और रही बात यार कुछ नयापन की, तो देखिए बस नयापन ये है कि अब हमारे भारत अभी वापस आने वाले हैं इंडिया और अब मज़ा आने वाला है, ठीक है, और जिस तरीके से भी स्वागत वगैरह होगा तो आप सबको देखने को मिलेगा। और हम बस एक उम्मीद बना के रखे हैं यार कि हर युवा क्या चाहता है आज का जनरेशन में, और आज जैसे कि हमारा दुनिया आगे बढ़ रहा है प्रगति की ओर तो हम लोग भी पता है एक नया सोच पड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत लोग तो अपना ख्वाब बना चुके हैं और ख्वाब क्या है पता है, बस यही सब है कि कोई स्पोर्ट्स से जुड़ा है, कोई क्रिकेट से जुड़ा है, कोई कबड्डी से, कोई फुटबॉल से जुड़ा है और
हर कोई तो किसी का काम धाम तो अलग ही है, लेकिन वो अपने हॉबी के लिए, अपनी रुचि के लिए भी बोल सकते हो, कुछ ना कुछ करना चाहता है और कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, ताकि उसके मन में कुछ शांति मिल सके। तो देखो यार, अभी हाल में भारतीय टीम को ICC ने अप्रिशिएट किया है और प्रशंसा किया है उसके बारे में। ऐसे BCCI ने देखे 122-123 करोड़ रुपए इसको देने वाला है भारतीय टीम को। जो भी भारतीय टीम के मेंबर रहे उन लोगों को पैसा मिलने वाला है, ठीक है, करोड़ों रुपया का बारिश होने वाली है। तो इसको देख कर भी जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं वो सब सोच में पड़ गए हैं और शौक रह गए हैं और वो कयास लगा रहे हैं कि यार इतना पैसा वाकई में क्या BCCI देने वाला है इंडियन प्लेयर को। तो जाहिर सी बात है, हाँ यार देने वाला है, लेकिन वो सब तो मानेंगे नहीं, ठीक है, उनके लिए तो ये सब अच्छी चीज़ें नहीं लगता है। और लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि जो दिल से चाहता है ना इंडिया को, बस उन्हीं लोग को अच्छा लगता है, भाई किसी को लगता है, ये तो आप जान लेते ही हैं। तो आप लोग बताओ यार क्रिकेट में, और आप क्या देखना पसंद करते हो, और एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो को हम एंड यहीं पास करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, जय हिंद।